हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मॉमीज किचन। सो आज हम जो इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आए आपके लिए वो है मल्टीग्रेन ओट्स चिल्ला। ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत सारे विटामिंस, मिनरल्स, फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो आज हम ये बनाने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये है इसके इंग्रेडिएंट्स। सो वन बोल ऑफ सूजी, ओट्स, बेसन या दही हो या फिर लेफ्ट ओवर दाल हो आपके पास, नॉर्मल वेजिटेबल्स जो हमारे घर में हमेशा रहते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड रेगुलर स्पाइसेस। इनो इज प्योरली ऑप्शनल, अगर है देन इट्स गुड, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है फाइनली चॉप वेजिटेबल्स हमारे पास, ये है बेसन, सूजी एंड ओट्स। देन है हमारे पास रेगुलर स्पाइसेस, दैट इज काली मिर्च जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड इनो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनो इज प्योरली ऑप्शनल। सो अब हम एक बोल लेंगे, उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे सूजी हमारी। सो वन बोल ऑफ सूजी हमने यूज की है। देन उसके बाद हम डालेंगे इसमें वन बोल ऑफ ओट्स। एंड देन एज अ बाइंडिंग एजेंट आप बेसन या आटा में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, सो वो हमने डाला है। देन हम इसमें डालेंगे हमारी लेफ्ट ओवर दाल। सो अगर आपके पास बची हुई दाल है तब आप उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें डाल सकते हैं 4-5 स्पून्स ऑफ दही। सो जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं ये हेल्दी चिल्ला। सो इसे अब हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन इसके बाद हम ऐड करेंगे वाटर। सो वाटर हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारे ओट्स को बहुत पानी की नीड होती है, उसे सोक करने के लिए, उसे सॉफ्ट करने के लिए हमें इसमें वाटर ऐड करना पड़ता है। सो इसमें हम डालेंगे वाटर एंड फिर से इसे अच्छे से मिक्स करके एटलीस्ट 15 मिनट्स तक इसे रख देंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी क्वांटिटी ली है आपको उस अकॉर्डिंग वाटर डालना है। हम लोगों ने एटलीस्ट डाला है 1.5 ग्लासेस ऑफ वाटर सो दैट ये अच्छे से सोक हो पाए एंड सॉफ्ट हो जाए। सो एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए कि आप 15 मिनट्स तक इसे रख पाए, अदरवाइज आप 10 मिनट्स में भी चेक कर सकते हैं, अगर सॉफ्ट हो गया है देन आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स हमारे, कैप्सिकम, टमाटो एंड अनियन। सो ये सब हम लोगों ने फाइनली चॉप करे हुए हैं चॉपर में, अगर आप चाहे तो आप इसे मैन्युअली भी कट कर सकते हैं। देन इसमें डालेंगे हम अपनी स्पाइसेस। इसमें हमने यूज किए हैं 2 स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 स्पून ऑफ काली मिर्च एंड जीरा पाउडर एंड 1 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो डिपेंडिंग अपॉन आपके फ्लेवर्स कैसे हैं, अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। सो फिर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा मिक्सचर हमारा ड्राई हो गया है तो इसमें हम वाटर और ऐड करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या कंसिस्टेंसी चाहिए आप वैसे अपना बैटर बनाओगे। इसके बाद हमने ऐड किया है इसमें कोरिएंडर एंड फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो हमारा बैटर अब हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। उसमें लास्ट में हम डालेंगे 1/2 स्पून ऑफ इनो। ये इनो का पैकेट ऑलरेडी यूज था, इसमें हमने सिर्फ पिंच ऑफ 1/2 स्पून इनो डाला है। इससे हमारा थोड़ा चिल्ला फ्लफी बनता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है देन ऑल्सो इट्स फाइन, तब भी आपका चिल्ला बहुत टेस्टी बनेगा। सो ये अब हमने मिक्स किया है एंड अब हम लोगों ने रखा है अपना पैन। सो दिस इज अ नॉन स्टिक पैन जिसमें हम अब चिल्ला बनाने वाले हैं। सो इसमें अब हमने डाला है 1 स्पून ऑफ देसी घी। जनरली वी यूज घी सिंस घी के बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें अब हम डालेंगे हमारा बैटर एंड उसे अच्छे से इक्वली इवनली स्प्रेड कर देंगे थ्रू आउट द पैन। सो पहले हम लोग इसे रखते हैं हाई फ्लेम पे सो दैट हमारा घी गर्म हो जाए, देन उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे रख के इसके ऊपर ग्लास लिड से इसे ढक देंगे। सो ये अब ढका हुआ रहेगा एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा चिल्ला उस साइड से बना है कि नहीं। सो आफ्टर 2-3 मिनट्स लाइक यू कैन सी कि हमारा नीचे से चिल्ला बन गया है एंड अब हम इसे अपसाइड डाउन टर्न कर देंगे।
सो लाइक यू कैन सी यहाँ इस पे आ गया है गोल्डन ब्राउन कलर। सो इससे पता चलता है हमारा चिल्ला इस साइड से प्रॉपरली कुक हो चुका है। अब हम सेम तरह से दूसरी साइड से कुक होने का वेट करेंगे। सो फॉर अनदर 2 मिनट्स इसे रखेंगे स्लो पे सो दैट ये प्रॉपरली इक्वली कुक हो जाए। एंड सो हमारा चिल्ला हो गया है रेडी। सो इसको हम सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ। सो जैसे आपको पसंद है आप इसे वैसे सर्व कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज।